Hello and welcome friends. Today we are going to learn division, multiplication, summation and subtraction in excess. So आइए दिखाता हूँ मैं. ये देखिए ये comment आया हुआ है. ये संजीत सैकिया हैं, इन्होंने comment किया है division के लिए. तो मैं एक ही video में cover करूँगा division, subtraction, multiplication और summation सब कुछ. तो आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ. यहाँ से 2007 वर्जन है मेरे पास. आपके पास जो भी हो इसको ओपन कर ले. ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करें, क्रिएट पे क्लिक कर दें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा. देखिए ये, इसके बाद व्यू पे जाइए और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर दीजिए. यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ठीक है. अब यहाँ पर आई डी आ रही है. आई डी एक प्राइमरी की होती है, ठीक है. यहाँ पे आईडी ही रहने देता हूँ मैं. और नीचे आएंगे, इसको ऑटो नंबर रहने देते हैं. ये डेटा टाइप है, यहाँ ऑटो नंबर रखेंगे. नीचे आएंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर वन, ठीक है. और यहाँ पर फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ नंबर टू लिखता हूँ, फिर नंबर थ्री लिखता हूँ और नीचे टोटल कर देता हूँ, ठीक है. सॉरी, यहाँ पे टेक्स्ट जगह नंबर हो जाएगा. यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, नंबर कर लेते हैं और यहाँ पर भी नंबर कर लेते हैं. इसके बाद यहाँ पर टोटल करेंगे और टोटल भी नंबर ही डेटा टाइप होगा तो यहाँ पे भी नंबर कर लेंगे हम. और नंबर करने के बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सेव करने के लिए कहेगा, यहाँ से सेव कर लीजिए. सेव करने के बाद क्रिएट पर जाइए, क्वेरी डिज़ाइन पर जाइए और ऐड कर लीजिए इसको. तो यहाँ पर ऐड कर लिया हमने, डबल क्लिक करते जाइए, यहाँ पर इंसर्ट होता जाएगा. ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और टोटल. यहाँ पे टोटल पे जाना है आपको और यहाँ पे कोलन लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है. यहाँ पे नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री को ऐड करना है. तो यहाँ लिखिए नंबर वन ब्रैकेट बंद प्लस नंबर टू ब्रैकेट बंद प्लस नंबर थ्री ब्रैकेट बंद. और अब आपको करना है यहाँ पे रन पे क्लिक. तो यहाँ पे हमारा जो है हो चुका है काम. अब यहाँ पे कोई भी नंबर डालिए, जैसे मैंने 56 लिखा और यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 2. अब जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए 61 इन सबका टोटल होके आ गया. इसी तरह से यहाँ पे अगर देते हैं हम 22, ठीक है, 45 और एट लास्ट 6, तो इन सबको ऐड करके यहाँ पर दे देगा. इस तरीके से हम समेशन करा सकते हैं, समेशन यानी सम करना. आइए अब हम दूसरे टेबल में मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं. आइए सबसे पहले मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताता हूँ. सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन. इंटर करते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर वन, मैं सब वन लिखता हूँ, सब वन, ठीक है, और सब टू, ठीक है, और यहाँ पर टोटल या रिजल्ट कर देते हैं. यहाँ पे रिजल्ट कर देते हैं, रिजल्ट, ठीक है. तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारा. तो यहाँ इन सबको नंबर बना लीजिए आप, नंबर, नंबर और ये नंबर, ठीक है. अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको सेव कर लीजिए. आइए अब यहाँ पे हम माइनस करके देखेंगे. जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 8 है और इसमें से 3 माइनस करना है. यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर माइनस करना चाहिए, तो यहाँ पे हमको क्रिएट पे जाना है, क्वेरी डिज़ाइन पे जाना है और यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्शन में जा करके ऐड करा देना है. ऐड कराते ही ये बॉक्स दिखेगा आपको, डबल क्लिक करते जाइए, ये ऐड होता जाएगा. यहाँ रिजल्ट तक आ जाइए और यहाँ रिजल्ट पर कोलन लगाइए. कोलन लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए. सब वन में से सब टू घटाना है, सब वन लिखिए, माइनस सब टू लिखिए और इसका रिजल्ट जो है यहाँ आ जाएगा जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं 7 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो यहाँ से 7 में से 2 माइनस करके 5 आ जाता है, ठीक है. आइए यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 आ चुका है. तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं. अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 6 लिखते हैं और इसमें से 8 माइनस या 7 माइनस करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर अपने आप -1 आ गया है, आप देख सकते हैं. तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं. आइए अगली बात करते हैं डिवीज़न की, मल्टीप्लिकेशन की. तो आइए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं. तो यहाँ इस टेबल को हम मल्टीप्लिकेशन नाम दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है. फिलहाल मैं छोड़ता हूँ, अभी बात करेंगे हम. यहाँ पे आएंगे डिज़ाइन व्यू पे. अब यहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. इंटर करेंगे और यहाँ पर अब 2 या 3 या 5 जितने नंबर आपको चाहिए वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे. तो मैं यहाँ लिखता हूँ
मल्टी वन, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मल्टी टू, यहाँ पे लिखूंगा मल्टी थ्री, तीन नंबर को आप मल्टीप्लीकेशन करा लेते हैं, आप जितने चाहे उतने करा सकते हैं, मल्टी थ्री, ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे हम इन सबको नंबर बना लेंगे, नंबर नंबर, और ये भी नंबर डेटा टाइप रहेगा। आप चाहे तो आईडी को भी नंबर बना सकते हैं, मैं फिलहाल ऑटो नंबर ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे करेंगे रिजल्ट, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लीकेशन का क्या रिजल्ट आएगा, वो भी नंबर डेटा टाइप होगा। तो यह नंबर कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, यहाँ सिक्स में टू का मल्टीप्लीकेशन और उसमें टू का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये क्रिएट पे जाना होगा, हमें क्रिएट पे जाके क्वेरी डिज़ाइन पे जाना होगा और मल्टीप्लीकेशन को यहाँ ऐड करा देंगे। ऐड कराने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करते जाएंगे और यहाँ आता जाएगा ये डबल क्लिक, ये डबल क्लिक और यहाँ रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट में आएंगे और यहाँ कोलन लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, मल्टी वन इंटू, इंटू का निशान आपको एट नंबर बटन पे मिल जाएगा अल्फाबेटिक, मल्टी टू इंटू मल्टी थ्री। तो इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कराना है। अब रन पे क्लिक कर दीजिए, जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखते हैं क्या गलती हुई है, एक मिनट, मल्टी वन, और यहाँ मल्टी आई हो गया है, यहाँ पे मल्टी वन नहीं लिखा हमने, यहाँ पे मल्टी वन होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको रन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे रन हो चुका है ये। और यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे टू, टू में थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे और थ्री में फोर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, यानी टू थ्री ज़ा सिक्स और सिक्स फोर ज़ा 24। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन भी करा सकते हैं। बात कर लेते हैं डिवीज़न की, यहाँ पर आएंगे क्रिएट पे और नया एक टेबल बनाते हैं हम यहाँ से, और इसमें हम डिवीज़न करके देखेंगे। तो यहाँ व्यू पे जाएंगे, डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे और इसको मैं लिखता हूँ डिवीज़न, तो यहाँ लिखते हैं डिवीज़न। आइए देखते हैं डिवीज़न कैसे करा सकते हैं। तो डिवीज़न कराते समय हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी लेनी होंगी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर वन, ठीक है, और यहाँ लिखूँगा नंबर टू, ठीक है, और यहाँ लिखूँगा हम, यहाँ लिखूँगा टू। अब यहाँ पे मैं करूँगा रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट आएगा डिवीज़न का, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले मैं इसको नंबर बना दूँ, फिर हम अपना काम करेंगे। तो नंबर, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, ठीक है, इन तीनों को मैंने बना दिया है नंबर, ठीक है। अब नंबर बना दिया है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें आना है डेसिमल में, ठीक है, और यहाँ पे स्केल को हम थ्री कर सकते हैं, ठीक है, और ये थ्री कर दिया हमने, डेसिमल प्लेसेस ऑटो रखा है मैंने, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, हमें क्या करना है, क्रिएट पे जाना है, क्वेरी डिज़ाइन पे जाना है और फार्मूला यहाँ से ऐड कराना है, डिवीज़न, डिवीज़न हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे, पहले हम इसको इंसर्ट करा लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया हमने, फिर ये रिजल्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे रखेंगे कर्सर को, कोलन लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे नंबर वन, ब्रैकेट बंद, अपॉन नंबर टू, नंबर टू, ठीक है। अब इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे शो होगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारा। जैसे सपोज कीजिए सिक्स से आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं टू का, तो रिजल्ट क्या आएगा, थ्री आएगा, टू थ्री या सिक्स, समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए थ्री का मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री को डिवाइड करते हैं, टू से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, 1.5 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेसिमल किया था तो 1.5 आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 56 को करना है टू से, तो क्या आएगा, 28 आएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ 55 को करना है टू से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 27.5 आ रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवीज़न भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और समेशन भी करा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।